So we are here with another question from June 2011 question paper, and now it is a question of multiple select type because it is of 4.75 marks question. Okay, so इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, तो वो आपको सभी के सभी ऑप्शन जो है वो चेक करने होंगे, डिस्कार्ड करने होंगे, जो भी आपकी अप्रोच रहती है. सो यहाँ पर लेट मी रीड इट फर्स्ट. लेट W इज इक्वल्स टू, W जो है एक सेट है, उस सेट में हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है पी ऑफ बी, जहाँ पी क्या है, एक पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशेंट्स, और जो बी है वो एक फिक्स मैट्रिक्स हमें दे दी है जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कॉलम्स को आगे पीछे करके लिखा गया है. Then dimension D of the vector space W satisfies इनमें से जो भी हमारा आंसर होगा. सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमारा जो एम है, हमारा एम क्या है कि हमें निकालनी है डायमेंशन ऑफ W, जो कि क्या है, D है हमारा, ये एम है, हमें ये फाइंड करनी है. ठीक है, ये है हमारा एम कि डायमेंशन W जो है D वो क्या होगी, वो हमें निकालना है. तो देखो W के अंदर क्या है, पॉलिनोमियल्स है. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का कोई भी सेट होगा तो उसका जो स्पैनिंग सेट होगा, स्पैनिंग सेट ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल को स्पैन करने के लिए सेट क्या होता है, एक आइडेंटिटी हमें चाहिएगी. ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, और इन जनरल चलिए लिखते हैं, तो किसी पॉलिनोमियल के लिए तो क्या होगा, वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन. आप लिख सकते हो xn, अगर आपका जो पॉलिनोमियल है वो xn डिग्री का है, यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू n है, तो स्पैनिंग सेट हमारे पास क्या होता है, 1x, x square, x cube, xn, और इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है हमारे पास, n प्लस 1. ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें आइडिया मिल गया है कि ये जो w है इसके अंदर भी क्या है, कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स ही हैं. अगर हमें ये पता चल जाए कि इसके अंदर जो पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, इसके अंदर सपोज पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 5 है, तो 5 के लिए हमारे पास यहाँ हम पुट कर देंगे एन की वैल्यू, तो 5 प्लस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, 6. ठीक है, क्योंकि उसको हम स्पैन कर सकेंगे 1x, x स्क्वायर, x क्यूब, x 4 और x 5 से, अगर उसकी पावर 5 हुई तो. ठीक है, जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का होता है तो ये स्पैनिंग सेट होता है हमारा, और डायमेंशन क्या हो जाती है, n प्लस 1, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं, n प्लस 1, n एलिमेंट्स ये और एक ये वन, तो n प्लस 1. ठीक है, तो हमारा बेसिकली काम क्या है कि इसमें जो पॉलिनोमियल है वो हमें देखने की उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो सकती है. ठीक है, तो जो बी है हमारे पास ये हमें हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल है सपोज, इसका मतलब क्या है पी बी का, कि अगर इसके अंदर कोई पॉलिनोमियल हुआ सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का, ठीक है, तो पी बी हमारा क्या हो जाएगा, इस एक्स के प्लेस पर हम ये मैट्रिक्स लिख देंगे, तो इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देंगे और 1 हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हम मैट्रिक्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इस टाइप का कुछ कुछ हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा. तो अब हमें देखना है कि ये बी कैसा है. तो बी आपको क्लियरली पता चल रहा है कि क्या है, बी एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है. बी क्या है, एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है. तो इसके दो अप्रोच बताऊंगा मैं आपको. तो परम्यूटेशन मैट्रिक्स है तो जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर, फर्स्ट रो में जो 1 है वो कहां मैप हो रहा है, 1 2 3 पर. जो 1 है वो किस प्लेस पर है, 3 पर. अब 3 है तो थर्ड रो कॉलम पर जाएंगे हम, सॉरी रो नहीं कॉलम, तो थर्ड कॉलम में जो 1 है वो सेकंड प्लेस पर है, तो थर्ड जो है वो जाएगा 2 पर. 2 मतलब सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में 1 का है फर्स्ट प्लेस पर, तो सेकंड जाएगा फर्स्ट पर. तो जो मैट्रिक्स है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 1 3 2, दैट मींस फर्स्ट कॉलम में जो 1 है वो थर्ड प्लेस पर है, थर्ड कॉलम में जो 1 है वो सेकंड प्लेस पर है, सेकंड कॉलम में जो 1 है वो फर्स्ट प्लेस पर है, तो सेकंड कॉलम में जो 1 है वो फर्स्ट प्लेस पर. ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो है, अगर परम्यूटेशन मैट्रिक्स ये है तो इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या हो गया, अगर मैं इसे लिखता हूँ सिग्मा, तो सिग्मा जो है इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, क्लियरली 3 हो गया, 3 ही एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं, 1 3 2. ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3. तो सिग्मा की जो क्यूब है वो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी. दैट मींस इस बी की अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी. क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया. कैसे, अगर मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल बन रहा है, एक्स की 3 पावर से ज्यादा का कोई पॉलिनोमियल मान लो बन रहा है इस टाइप का कुछ कुछ, और यहां पर पावर सपोज और बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, ये जो एक्स 4 है हमारे पास, हमें पता है कि जो बी क्यूब है वो क्या है, आइडेंटिटी. दैट मींस एक्स क्यूब हमारा क्या है, 1. तो ये x क्यूब जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1, यानी कि यही 1 इसी में ऐड हो जाएगा.
जो x4 है वो क्या हो जाएगा x into x cube, that is x into 1, तो वापस चेंज हो जाएगा किसमें x में, that means कि x cube से जितनी भी बड़ी पावर आप लोगे वो हमें वापस से x square x और 1 ही देने वाला है, यानी कि x cube अगर 1 है तो इससे पावर जितनी भी ज़्यादा करेंगे तो 1x और x square ही हमें मिलेगा, that means क्या मतलब हुआ इसका कि इसके अंदर कोई भी पॉलीनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, ठीक है, क्योंकि अगर पावर 3 हो जाएगी, अगर पावर 3 हो जाएगी तो वापस वो क्या हो जाएगा 1, और 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो 1 x और x स्क्वायर और इससे ऊपर पावर अगर कोई भी होगी तो वापस 1 x और x स्क्वायर ही हमें मिलेगा, दैट मींस जो स्पैनिंग सेट है मेरा, स्पैनिंग सेट जो है वो क्या आ गया हमारे पास i b और b स्क्वायर, ठीक है, i b और b स्क्वायर, बिकॉज b क्यूब क्या है आइडेंटिटी है, तो अगेन b क्यूब आइडेंटिटी हो जाएगा, b 4 करेंगे तो वो b हो जाएगा, b 5 करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, b 6 करेंगे तो वापस आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो ये हमारा स्पैनिंग सेट है और इसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं कितनी है 3, तो हमारी डायमेंशन क्या आ गई 3, तो इसमें से आप देख सकते हो 3 इस इंटरवल में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें है, इसमें है, तो ये दो हमारे आंसर सही है और 4.75 मार्क्स आपके कंफर्म है इस क्वेश्चन से, सो डायमेंशन क्या आ गई इसकी 3 आ गई, ठीक है, पावर कितनी है मैक्सिमम 2, डायरेक्ट यहाँ भी पुट कर सकते हो n की वैल्यू 2 तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो ये था आपका मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन, थैंक यू।